लाइन एंड एंगल का एक प्रॉब्लम देखते हैं। इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90, ये एंगल आपका 90 है, देन ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है, फाइंड सी। तो देखो क्या है यहाँ, ये लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा आपका, पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स, पी ओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ एक्स, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ए रेशियो भी कितना है 2:3, ठीक है। तो लेट कर देते हैं ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 3x, तो 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 80, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी है आपकी 2x इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36, एंड b इक्वल टू कितनी है आपकी 3x, 3 into 18 50 40, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, ये भी लीनियर पेयर है m o n इन लाइन m o n, ठीक है। तो m c x m o x m o x नाम दो, ठीक है, m o x प्लस एंगल x o n इक्वल टू 180 डिग्री, डायरेक्ट आप लिख सकते हो b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है आपकी 54, बी की वैल्यू कितनी है 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, ठीक। कितनी वैल्यू होगी आपकी 126,